मेरा नाम है दीपक यादव और मैं एमपी के खरगोन जिले के कसरावत तहसील के एक छोटे से ग्राम गोल का रहने वाला हूँ। ट्रैक्टर लेना मेरे पिताजी का सपना था, बहुत दिनों से बोल रहे थे। फिर हमने पिछले साल 2019 की दीपावली पे ट्रैक्टर सिलेक्ट किया। हमारे बीच ये कंफ्यूजन था कि ट्रैक्टर कौन सा था। फिर मेरी च्वाइस थी कि मैंने कुबोटो सिलेक्ट किया। ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी क्योंकि हमारे गाँव में कुबोटो नहीं था। ये पहला ट्रैक्टर आया था गाँव में कुबोटो। जब मैं लाया तो मेरे पिताजी थोड़े से नाराज थे कि कौन सा नया ट्रैक्टर उठा के लिया। यकीन मानिए मेरे पैसे उसी रोज वसूल हो गए जब मैं मेरे खेत की जुताई करने के लिए मेरे पिताजी को साथ में ले गया और ट्रैक्टर पे मेरे पिताजी बैठे रहे। जब पूरा खेत जोता तो मेरे पिताजी ने उतरते समय एक बात बताई मेरे को कि बेटा जो भी ट्रैक्टर लिया तूने वो सही चीज चुनी। आप यकीन मानिए मेरे पैसे उसी रोज वसूल हो गए। और इसकी बात ही अलग है, मैंने पहले दूसरों के ट्रैक्टर पे ड्राइविंग की थी, मजदूरी की थी। मैं 8 से 10 घंटे में थक जाता था, लेकिन जब से कुबोटो आया मैं 16 से 18 घंटे तक कंटिन्यू मैंने चलाया है, लेकिन कभी थकावट महसूस नहीं हुई क्योंकि इतना आरामदायक है ये चलने में। एक उंगली पे राउंड ले लेता है, इसका पावर स्टीयरिंग मस्त है। इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने तो दूसरे ट्रैक्टर भी चलाए, मेरे को इससे बेहतर कोई ट्रैक्टर नहीं लगा। मैं आज भी भाड़े पे चलाता हूँ, घर जमीन कम है और इसीलिए भाड़े पे लिया है। इसका डीजल मेंटेनेंस भी बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी बचत रहती है। दूसरी बात, मैं किसान के यहाँ पहले जाता था तो किसान मेड़ में बैठ के मैं खेत जोतता था, देखा करता था, क्योंकि अन्य ट्रैक्टर वाइब्रेट और शोर इतना करते थे कि वो ट्रैक्टर के पास नहीं आता था। लेकिन मैं जिस खेत में अब कुबोटो लेके जाता हूँ तो किसान मेरी बगल में बैठा रहता है 2-2 घंटे। जब उतरता है तो एक बात कहता है कि चीज बड़ी मस्त लाया है। ये जब जिस गाँव में ऐसे भी गुजरता है तो लोग इसको मुड़ के देखते हैं, यकीन नहीं होता कि ट्रैक्टर निकल के जा रहा है। हवा की तरह चलता है, ना ही कोई वाइब्रेट ना ही कोई शोर, और इसका लुक इतना शानदार है कि मजा आ जाता है।